इवनिंग, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई एम प्रभजोत सिंह ऑफ नाइन स्टैंडर्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आइए जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल आता है ह्यूमन, फिर आता है एनिमल्स। अभी हम लोग ह्यूमन्स के ऊपर बात करेंगे सीधा। तो इन ह्यूमन बॉडी वी हैव वेरियस, या फिर कहा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। वही यूनिसेलुलर के अंदर हमारी टर्म आती है अ बॉडी विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इसलिए हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, या मतलब सिंगल, और मल्टी मतलब मैनी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वर्क इज परफॉर्म्ड बाय मैनी सेल्स। जैसे कि हमें इसके नाम में पता लगता है मल्टी सेलुलर, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर काफी सारे वेरियस टाइप्स के सेल होते हैं जो वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा काम होता है वो डिवाइडेड होता है, एफिशिएंट होता है। वहीं पे यहाँ पे आता है वर्क इज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, मतलब यूनिसेलुलर, मतलब वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर जो वर्क होता है वो सिर्फ एक सिंगल सेल का, जो वर्क होता है उसे सिंगल सेल परफॉर्म करता है। हेयर वर्क इज डिवाइडेड, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे काफी सारे सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, वो हमारा काम जल्दी करने में हेल्प करते हैं, इसलिए कहते हैं वर्क इज डिवाइडेड। यहाँ पे आता है वर्क इज नॉट एफिशिएंट, क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर के अंदर सिर्फ वन सेल होता है। और मल्टी सेलुलर के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ह्यूमन, और सेकेंड आता है एनिमल सेल। वैसे यूनिसेलुलर के अंदर आता है एमोबा। एमोबा एक टाइप का बैक्टीरिया है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। मेरी ये वीडियो थी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। मेरी कल जो वीडियो आएगी वो आएगी मेरी बैक्टीरिया के ऊपर, तो उस वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।